हाय, आज हम देखने वाले हैं कि अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच में अगर कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है तो किस तरीके से एएलपी कंप्यूट की जाती है विद द हेल्प ऑफ कप मेथड, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। कप मेथड में क्या होता है कि अगर आपने एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के साथ जो ट्रांजेक्शन किया है, अगर वो ट्रांजेक्शन आपने अनरिलेटेड पार्टी के साथ किया है तो क्या प्राइस आपने कंसिडर की है वो प्राइस ले ली जाएगी, और एसोसिएटेड और अनरिलेटेड के बीच में जो फंक्शनल डिफरेंसेस हैं, जैसे एसोसिएटेड को आपने बल्क डिस्काउंट दिया बट आपने अनरिलेटेड को डिस्काउंट नहीं दिया, तो इन डिफरेंसेस का एडजस्टमेंट किया जाएगा और इन एडजस्टमेंट के बाद जो प्राइस आएगी दैट विल बी योर एएलपी। ये एडजस्टमेंट करते समय ना एक चीज ध्यान रखना, जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे आपने एसोसिएटेड के साथ काम किया है अगर वही टर्म्स एंड कंडीशन रेप्लिकेट कर दी जाए अनरिलेटेड पार्टी वाले ट्रांजेक्शन के साथ तो क्या प्राइस होगी, दैट विल बी योर एएलपी। बहुत आसान है, तो बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से वीडियोस देखने के लिए, और कमेंट के जरिए बताइए कैसा लगा वीडियो। थैंक यू।